रहे ना रहे ये जीवन कभी बनी रहे दोस्ती है तेरी कसम ओ यारा मेरे जुदा हम ना होंगे कभी। आप बड़ा ब्लंटली इमरान खान साहब से इख्तलाफात करते हुए नजर आते हैं। देखे ना अपने मोहसिनों को बुरा भला कहना, उनमें जहांगीर तरीन से लेके अलीम खान से लेके ओहन चौधरी से लेके बहुत सारे नाम आते हैं। तो इमरान खान एक ऐसे आदमी है जो खतरनाक से ज्यादा मुझे लगता है कि उनकी शर्म खत्म हो जाती है ऐसे मौके पे। इमरान खान एक लालची आदमी है, तोशा खाना से साबित होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनसाइट, मैं हूं वजीहा नजम। ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि वतन अजीज़ पाकिस्तान में एक आम आदमी मकबूलियत की तमाम हदें तय कर दें और उसके बाद समाज को बेहतर बनाने के लिए उनको बराबरी की बुनियाद पर तमाम सहूलतें और ज़रूरतें फराहम करने के लिए एक पार्टी की बुनियाद भी रख दें। आज के मेरे मेहमान एक ऐसे ही आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार हैं जिन्होंने अब एक सियासी तंजीम की बुनियाद भी रख दिया है। जवाद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे मुल्की सूरत हाल के बारे में भी और उनके करियर के बारे में भी और उनसे कुछ गाने भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। एक गुमनाम जवाद अहमद से एक आलमी शोहरत याफ्ता जवाद अहमद बनने के सफ़र को कैसे बयान करेंगे आप? अच्छा, मेरा जो कि मोटिव था ना पॉलिटिक्स का, शुरू से मैं जब जुपिटर्स में था तो उस वक्त तो आप मेरे ख्याल पैदा भी नहीं हुए होंगे। जुपिटर्स में मैं था 92 से लेके 97 तक, ठीक है। तो उस वक्त मेरे जहन में यही था कि मुझे पॉलिटिक्स करनी है। मेरे वालिदैन प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के, मैं मिडिल क्लास का आदमी था तो आई हैड टू बिकम फेमस इन ऑर्डर टू बिकम पॉलिटिशियन। मेरे पास और कोई तरीका नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर जुपिटर्स छोड़ के, मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई हुई थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था मैं यूटी लाहौर से। तो वहाँ से करने के बाद मैंने अबू से कहा कि मुझे ना एक सोलो करियर करने दें स्टार्ट, अगर मेरा कुछ बन गया तो मुझे फ़ायदा होगा, मैं पॉलिटिक्स कर सकूँगा। तो मेरी पूरी फैमिली गवाह है सब कि मैंने यही करना था, मेरी दीवारों पर लिखा होता था वर्क करना है और सबको पता था इसका क्या मतलब है। तो इसलिए मेरे लिए जो था ना ये एक चैलेंज था, मुझे मशहूर होना था। अच्छा। लोग शोबिज़ में आते हैं ग्लैमर के लिए, लोग शोबिज़ में आते हैं पैसे के लिए। मेरा पैसे के साथ सिर्फ इतना ताल्लुक रहा वजिया कि मेरा घर चलता रहे। अभी भी आप देखो ना मेरे हम असर जितने गलूकार हैं वो सारे के सारे ना फार्म हाउसेज में बैठे हुए हैं। मैं अपने वालिद साहब के साथ रहता हूँ, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो मैंने दी हुई है। मैंने अपने सारे पैसे, मतलब ज़्यादातर पैसे मैंने लगाए हैं पहले तालीम फॉर ऑल, फिर राइस फॉर पाकिस्तान, फिर राइस फॉर इक्वालिटी, फिर इंटरनेशनल यूथ वर्कर्स मूवमेंट और अब बराबरी पार्टी। तो मैं तो इन चीज़ों में लगा रहा हूँ पिछले तकरीबन 16 साल से। 2003 में मैंने स्टार्ट कर दिया, 2002 में मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया था, तो आप देखोगे 21 साल हो गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा ये जो सफ़र है ये बड़ा अच्छा रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चैलेंजिंग था लेकिन अब मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ हम एक पार्टी तामीर कर सकते हैं आम लोगों की। आप सिंगिंग के बाद फिर जब पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट था, आपको ये करना था, तो आपको कभी रिग्रेट हुआ है कि मुझे शायद नहीं आना चाहिए था, मैं सिंगिंग कर रहा था, मुझे बहुत लोग प्रेज़ कर रहे थे, अप्रिसिएशन थी, पैसा भी था, सब कुछ था? मेरा ये मसला नहीं था ना, मेरा मसला था ही नहीं ये कि लोग मुझे प्रेज़ करें। मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे जब कोई ज़्यादा प्रेज़ करता है ना तो मुझे उस पर शक होता है थोड़ा सा कि इसको क्या हो गया, क्योंकि मैं ना असलियत जानता हूँ इंसानों की। इंसान आखिरकार वो बिल्कुल उसी तरह होते हैं जिस तरह उनको आम लोग बाकी लग रहे होते हैं, वो कोई ख़ास नहीं होते। मैं अपने ऊपर आपको अप्लाई करके बताता हूँ ना, मैंने तो अपने आप को ग्रो करते देखा है। वही लोग जो मुझसे पहले इस तरह बात करते थे, क्या हाल है जवाब साहब, ठीक है, उसके बाद मैं मशहूर हो गया क्योंकि मेरे पे कैमरे लग गए, मेरे गाने हिट होना शुरू हो गए, वो मुझे उठ के एकदम खड़े हो जाते थे, जवाब साहब क्या हाल है। तो मैं हंसता था, मैं कहता था यार ये क्या दुनिया है। तो अगर मेरे साथ ये हो रहा है भैया तो बाकी सारे भी ऐसे होते हैं ना। तो मैं ना किसी कामयाब मशहूर अमीर या नाम वाले आदमी के साथ ना, ताकतवर आदमी के साथ, उसके साथ मेरा कोई ताल्लुक ऐसा नहीं होता कि मैं उसकी सिर्फ इस बात पे इज्जत करूं। आपके वालिद साहब ने पॉलिटिकल साइंसेस में तालीम हासिल की लेकिन पॉलिटिक्स में आए आप, तो वालिद साहब ने रोका या उनकी भी फुल सपोर्ट थी कि कर लो, हालांकि उन्होंने पढ़ी भी हुई थी एक चीज़, वो खुद सामने नहीं आया इस तरह से? नहीं, मेरे वालिद साहब और वालदा दोनों जो है ना बड़े प्रोग्रेसिव लोग थे। पहली बात तो आप ये समझो कि जिस ज़माने में मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया ना, उस ज़माने में सिर्फ मैं नहीं, जितने भी लोग रहे हैं मतलब शोबिज़ में, शहजाद रॉय है, हदीका क्यानी है, अबराउल हक है, बहुत से लोग ऐसे मेरे ज़माने के जो हम मसल गुलगार, हमसे पहले इवन जुनेद जमशेद, फिर वो
हमारा मेरा बैंड जुपिटर्स, उसमें अली अजमत थे, बाद में वो जुनून में चले गए, जुनून उससे पहले चले गए तो आलमगीर शैकी, नाजिया जुहैब, ये सब लोग हमारे ज़माने तक ना लोग अपने बाल बच्चों को देखते थे ना म्यूज़िक कर रहा है तो वो डर जाते थे, इसलिए नहीं कि उनको बुरा लगता था कि ये क्यों कर रहा है, इसलिए वो कहते थे कि इसमें तो कुछ बना अगर ना आया तो क्या करेगा क्या, ये और होता भी था जी, अगर हमारे काम में 100 सिंगर हर महीने अपना एल्बम निकालता था ना तो उनमें से एक बेट नहीं होता था, अगर कोई 1200 सिंगर 12 पूरे एक साल में एल्बम निकालते थे तो 4-5 हिट होते थे, ठीक है, मतलब बड़ा नाम बनाते थे, तो इसलिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन चूँकि प्रोग्रेसिव वालदैन जो होते हैं ना वो कहते हैं करो जो तुम्हारा दिल करता है, जो क्योंकि इंजीनियरिंग कर लो, मेरे भाई एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट है, एक मैं इंजीनियर हूँ, वालदैन ने कहा कि मिडिल क्लास के लोग हो यार कुछ डिग्री ले लो, उसके बाद जो दिल करता है करो, तो मैंने डिग्री जब वालद साहब को पकड़ाई उसके बाद मैं आज़ाद हो गया, बिल्कुल, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, जैसे सिंगिंग करियर हो या एक्टिंग करियर हो, रिजेक्शन जो है वो आपको फेस करनी पड़ती है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ सिंगिंग करियर में कि आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ी हो या लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया हो, नहीं तुम नहीं गा सकते, तुम नहीं कर सकते स्टार्ट में? नहीं नहीं, मैं मुझे इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैं एक बहुत बड़े बैंड में था, जुपिटर जो था ना ये पाकिस्तान में दो बड़े बैंड थे, एक वर्ल्ड साइंस था, एक जुपिटर था, हमारा गाना था यारो ये दोस्ती है और उनका था दिल दिल पाकिस्तान, और ये इतने बड़े बैंड में सिंगर के तौर पर होना तो उसकी वजह से मुझे इतनी ट्रेनिंग मिल गई थी बैंड के ज़माने में, मैं एक्चुअली वाहिद शायद पॉप आर्टिस्ट हूँगा जितने भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं जिसने इतने कॉन्सर्ट्स किए हुए हैं, कभी कोई कर ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ, सन 2000 में मैंने जब एल्बम निकाला अपना पहला, तो मैंने अपने एल्बम के अंदर लिखा था कि मैं अब तक 2000 से ज़्यादा कॉन्सर्ट्स कर चुका हूँ, ठीक है, वो क्योंकि मैं जुपिटर्स में था ना, आपको पता है 365 दिन में से हम तकरीबन 300 दिन शोज़ करते थे, अच्छा 300 रोज़ शो होता था हमारा रोज़। अब वो शोज़ कौन से होते थे, कोई शादी का, मेहंदी का, वो सालगिरह का, आर्मी का, स्कूलों कॉलेजों के, कोई भी कॉन्सर्ट, फिर टिकट वाला कॉन्सर्ट, कुछ भी कॉन्सर्ट हो ना, NGOs के कॉन्सर्ट, हम वहाँ पहुँच जाते थे और थोड़े से पैसे लेते थे और इक्वल बांटते थे एक दूसरे में ना, इक्वल बढ़ता था, क्रिस सिंगर को भी वही मिलता था, गिटारिस्ट को भी वही, और वो नहीं उसको कीबोर्डिस्ट को भी वही, ड्रमर को भी वही, इवन साउंड इंजीनियर को भी वही, अच्छा। हाँ, सबका एक जितना शेयर होता था। तो वो जब मैंने किया ना, तकरीबन आप ये समझेंगे मैंने किया कोई 92 से लेके 97 तक, हाँ, तो वो जो मेरा ज़माना था ना 92 से 97 तक, वो इतना पीक का ज़माना था, मैंने इतना ट्रेनिंग ले ली थी, रिजेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता था, मुझे ये कोई नहीं कह सकता था कि आपको गाना नहीं आता। अच्छा जवाद साहब, आप और इब्रारुल हक एक ही हद के सिंगर हैं, फिर उन्होंने रफाई काम शुरू कर दिया, उन्होंने सियासत में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, आप भी फिर सियासत की तरफ आ गए, क्या लगता है कि इब्रारुल हक एज ए सिंगर ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे, एज ए सियासतदान ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं वो? देखिए, अबरार का जो है ना मामला मेरे से बिल्कुल अलहदा है, अबरार को शौक़ था इमरान खान बनने का, वो अस्पताल बनाया अपनी मदर के नाम पे, इसने बनाना शुरू कर दिया, फिर आखिरकार सियासत में आया तो फिर PTI को ज्वाइन कर लिया और सियासत की। देखो, एक होता है गोल होना इस हवाले से सियासत में कि हमने इस मुल्क को चेंज करना है, उसके लिए आप किसी पुरानी पार्टी में जाके बस बैठ जाएं और इलेक्शन लड़े पैसे के ज़ोर पे या उस पार्टी के नाम से, जिस पार्टी में पहले समायादार जागीरदार बैठे हों तो पता चल जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, अबरार सारा साल आपको, बल्कि 5 साल अपने इलेक्शन हारने के बाद 2 दफ़ा आपको मिलेगा कॉन्सर्ट करता हुआ, तो TV पे कभी नज़र नहीं आएगा, आप वो कभी आप नहीं देखेंगे टॉक शो में बैठा हुआ है, कभी आप नहीं देखेंगे कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है, वो 5 साल चुप रहता है, क्यों? उसको सिर्फ इलेक्शन जीतना है, वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, हमारा ये मामला नहीं है। आप बड़ा ब्लंटली इमरान खान साहब से इख्तलाफात करते हुए नजर आते हैं, तो कभी आपको लगा है कि इससे आपके फैन फॉलोइंग जो है उसमें कोई फर्क पड़ा है? नहीं, फर्क तो पड़ा है, डेफिनेटली पड़ा है, मुझे नहीं फर्क पड़ा कोई। अच्छा। देखो, ना तो मुझे पैसे कमाने का शौक है कि लोग मुझे प्रेज करें तो मेरे कॉन्सर्ट्स पे आए, कॉन्सर्ट हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर ये होता है टाइम, ये जो टाइम पीरियड है ना इसमें हम लड़ रहे हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमें क्या कह रहे हैं, हम मुझे बल्कि अफसोस ही होता है कि लोगों को ख्याल नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, बजाय कि मुझे क्रिटिसाइज़ करने के इस बात पे कि आपको किसी बंदे के साथ जो है वो एक लगाव हो गया है
आप जरा उसको लॉजिकली देखो ना कि वो क्या कर रहा है आपके लिए। ठीक है, वो तो आपको लीडर तक नहीं बना रहा, उसने तो अपने इर्द गिर्द वही रखे हुए अमीर लोग। तो मुझे अफसोस होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसे चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अवामी बराबरी पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में आप क्या फर्क देखते हैं? सबसे पहली बात यह है कि हमारे जहन में एक ही बात है कि जो इंसान पाकिस्तान में रहता है, अपने बाल बच्चों को पालता है, एडल्ट है, काम कर सकता है, तो वो उसकी इनकम जो हो, चाहे वो वेज की शक्ल में हो, चाहे वो बिजनेस करने की सूरत में, उसके पास अर्निंग की सूरत में हो, रेवेन्यू की सूरत में हो, वो इतनी ज़रूर हो कि उसके जेब में इतने पैसे ज़रूर हो एक महीने में कि वो उससे अपने ख़ानदान के लिए और अपने लिए हेल्थ ख़रीद सके, क्योंकि सब बिकता है ना यहाँ। एजुकेशन ख़रीद सके, ये भी बिकती है। उसके बाद एक एक वो चीज़ जो उसको चाहिए, उसमें मकान तक आता है, खाना, कपड़ा, फिर उसके बाद अगर उसको अदालत में जाना पड़ता है इंसाफ के लिए, वकील करने के उसको पैसे हों, सारी चीज़ें पैसों से आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन है वगैरह वगैरह, तो उसके बाद इतने पैसे ज़रूर हों। ये हमारी पार्टी का असल मंशूर है। ये जो मलिक रियाज जैसे लोग हैं, ये जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर उसी तरह गरीबों से पहले ज़मीन हथियाते हैं, फिर वो अरबों रुपए की आगे बेचते हैं, पैसा बनाते हैं, उसमें से शेयर करते हैं लोगों के साथ, उनमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो उसमें हिस्सेदार हैं, ये सारे रिफॉर्म्स भी हमने करने हैं। ये कोई पार्टी नहीं कर सकती। और मैं बिल्कुल साफ बताऊँ, क्योंकि हमें ये सारे काम इसमें हिस्सा लेना ही नहीं है, हम उनमें हैं ही नहीं। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं और हम खुश हैं अपनी लाइफ में। मैं तो ये अपने वाले सब के घर में रहता हूँ, मैंने बताया, मुझे तो जरूरत ही नहीं है फार्म हाउस में, मुझे जाना ही नहीं है। खान साहब भी तो ये कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं, मैं तो आप लोगों के लिए बाहर निकला हूं, उसके पास लड़ रहा हूं। सब कुछ है। देखो, पहली बात तो ये है कि वो एक आम आदमी की तरह रहता ही नहीं है। देखो, एक आम आदमी रहता है 5 मरले 10 मरले 15 मरले 1 कनाल, मैं कहता हूँ 2 कनाल में रह ले। अच्छा, कोई बहुत ही ज़्यादा बड़े ख़ानदान का है और उसको उसको भागने के लिए जगह दिए, 4 कनाल में रह ले। वो एक आदमी 300 कनाल में रहता है और वो कहता है कि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, वो नहीं कर सकता। ये झूठ बोलते हैं सारे, जिनके अपने हिर्स और लालच ही नहीं ख़त्म होते हैं। और फिर 8 कनाल का घर यहाँ पे है लाहौर में, ये हमारे में से नहीं है, ये मिडिल क्लास नहीं है, ये एलीट के आदमी है खुद भी। इनकी लड़ाई भी आपसी लड़ाई है, अमीरों की आपस की लड़ाई में इमरान खान गुस्से में। और जो आपने बात की है ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तोशा खाने से पैसे को लिए आपने। ये देखें, जो लालची आदमी होता है ना, अमीर आमतौर पर लालची होते हैं। मैं सारे अमीरों को नहीं कुछ कहना चाहता, ज़्यादातर लोग अमीर जो हैं वो लालच की वजह से अमीर होते हैं। लालच होता है तो बाय हुक और बाय क्रूक वो पैसा बनाते हैं, अच्छे अच्छी तरीके से या बुरे तरीके से। पकड़ते फिर आप उनको बाद में, पकड़े जाते भी नहीं हैं। पकड़ा है नवाज इमरान खान ने किसी को? तो वो जो अमीर पैसे बना रहे होते हैं ना, उनको आप रोक नहीं सकते, वो बनाते रहते हैं पैसे। अब आपको खुद ही रुकना पड़ता है। हमारी पार्टी में ऐसे लोग नहीं आ सकते जो लोग पैसे के बल पे सियासत करना चाहते हैं या इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हमारी पार्टी में वेलकम नहीं है। तो इसलिए इमरान खान एक लालची आदमी है, तोशा खाना से साबित होता है, एक फॉरेन फंडिंग वाला केस, 2 अल कादर ट्रस्ट जिसमें मलिक रियाज को उन्होंने पैसे दिए हैं, वो 3, और उसके अलावा जो उस्मान बुज़ार के ज़माने में जितनी करप्शन की हुई। और इमरान रियाज खान आजकल बड़ी बातें वो कर रहे हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, वैसे अभी आजकल तो आजकल तो उनको जहाँ भी है, मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ। किसी को भी उठा के हिस्सा लीन लेके जाना चाहिए, चाहे वो मेरे गैंस ही कोई लोग हों, कोई भी अगे उसको गायब नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, रियासत में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इमरान रियाज का वैसे कह रहा हूँ कि वो खड़े आज कह रहे हैं ना, उस्मान बुज़ार के ऊपर उन्होंने शोज़ किए हैं अपने ज़माने में, जब इमरान खान और वो सारे एक पेज पे थे अदारे, तो इमरान रियाज कहते थे जी उस्मान बुज़ार की करप्शन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब क्यों नहीं बात करते उस पर? तो इमरान खान ने बहुत करप्शन किया है, ठीक है, बहुत पैसा बनाया है, और इनकी बेगम ने भी बनाया है, इनके घर वालों ने भी बनाया है, और वो सबके सामने आया है। सर, 9 मई को जो पूरे मुल्क में हमने देखा सूरत हाल थी, कोर्ट कमांडर हाउस पे हमला किया गया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, आपको क्या लगता है कि खान साहब पहले तो कहते हैं कि मकबूल लीडर तो थे ही, वो मकबूलियत वहाँ में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके बाद से ये भी साबित हुआ जिस तरह से उनको फ़ौरन रिहा भी किया गया 1-1.5 दिन के बाद, जिससे अवाम बाहर निकली उनके लिए, तो वो पॉपुलर होने के साथ साथ बहुत ताकतवर लीडर बन के भी सामने, आपको ऐसा लगता है? ऐसा है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हिस्ट्री में ना एक इंसान की ना फेम और पॉपुलैरिटी की ना एक पीक होती है, ठीक है, वो इमरान खान ने अचीव कर ली थी जब इन्होंने इंपोर्टेड गवर्नमेंट का नारा लगाया था, ठीक है, और जब इन्होंने अमेरिकी साजिश का नारा लगाया था। लेकिन इमरान खान ने उसके बाद लूज़ किया है, इनको पता नहीं है इस बात का। जब आप अपने मुल्क के अदारे को अटैक करते हैं ना,
और उस अदारे को अटैक करते हैं जिसके बाप ने बूट पॉलिश पहले की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट दो फ़र्क करने चाहिए हमें। अगर एक इंसान एक अदारे ने बनाया है, ये खुद कहते हैं, अब आज उनके पुराने इंटरव्यूज देखें, ये तो जनरल बाजवा के ऊपर कोई बात होती थी तो ये तड़प उठते थे कि ये क्या कह दिया आपने, ऐसा नहीं है, वो तो ये है वो है। ठीक है, ऐसा आदमी जब अपने आप को निकाले जाने पे उन्हीं को उल्टा बुरा भला कहना शुरू कर दे तो आवाम ना दोनों चीज़ें देख रही होती है, इनकी पीक नीचे आई है, इनको खुद मालूम नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये जो मिडिल क्लास है ना, जो सोशल मीडिया पे बैठी है या इवन वर्किंग क्लास भी बैठी कुछ हद तक, ये लोग ना देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं सब कुछ, इनमें इनको पता नहीं है कि इमरान खान की प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत बड़ी है, तो वो रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ वो निकालते हैं और बम्बार्डमेंट करते हैं उसकी। और ये उस वक्त से बनी हुई जब अदारे इनके साथ थे, उन्होंने बना के दी थी और अब ये यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से ना बम्बार्डमेंट इतनी है कि एक ख़ास नैरेटिव ये बना लेते हैं, रोज़ नैरेटिव नया नया बनाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कुछ अरसे से कि जब से इनके हाथ से ताकत गई है ना, तो इनका नैरेटिव उस तरह बन नहीं रहा जिस तरह वो बनता था, अब दूसरी तरफ से नैरेटिव एक स्ट्रॉन्ग आ रहा है, अब लोग कन्फ्यूज हैं, उनको उनको लग रहा है कि दूसरी तरफ से भी कहानी आ रही है, इमरान खान अदालत में क्यों नहीं पेश हो रहे, नैब अगर कह रही है तो पेश तो हो जाए, पेश नहीं हो रहे, भैया आप जाके सबूत दें, वो नहीं जा रहे, तो लोग अब ना इस तरह हट रहे हैं। इक्तदार के इमरान खान और अपोजिशन के इमरान खान दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं आप, मेजर डिफरेंस? अपोजिशन में इमरान खान ज़्यादा जहरीले हो जाते हैं और वो जो कहते हैं ना मैं ख़तरनाक हो गया हूँ, वो ख़तरनाक नहीं होते एक्चुअली, वो गैरतमंदी का साथ छोड़ देते हैं। भाई देखें ना, अपने मोहसिनों को बुरा भला कहना, उनमें जहांगीर तरीन से लेके अलीम खान से लेके ओहन चौधरी से लेके बहुत सारे नाम आते हैं, फिर आप आ जाएं इन जो आर्मी के लोग थे उनको बुरा भला कहना, फिर इनके इर्द गिर्द जितने इनके दोस्त थे जो इनके साथ चले शुरू में, उनमें से कई इनको कहते रहे कि यार ये ना करो ये ना, उनको इन्होंने छोड़ दिया, बहुत सारे इनके पर्सनल दोस्त हैं। तो इमरान खान एक ऐसे आदमी हैं जो ख़तरनाक से ज़्यादा, मैं मुझे लगता है कि उनकी शर्म ख़त्म हो जाती है ऐसे मौके पे, वो अपने लिए अपने ग्लैमर के लिए अपने थ्रिल के लिए, जो कि कहते भी थे मैं तो पॉलिटिक्स थ्रिल के लिए करता हूँ, तो उसके लिए वो कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो ख़तरनाक हो जाते हैं वाकई, लेकिन वो अपने लिए या वो अदारों के लिए नहीं सिर्फ, वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो जाते हैं। इस वक्त सबसे बड़े नासूर बने हुए हैं पाकिस्तान के, अगर आप आज इमरान खान को सियासत से निकाल दें ना, तो देखें पाकिस्तान एक आदमी के ऊपर नहीं चलता, मैंने भी मर जाना, उन्होंने भी मर जाना है, सब ने चले जाना, ये तो फिर ही ऐसे रहेगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, कोई ना कोई तो आएगा ही, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तो ये कहना है कि इमरान खान नहीं होगा तो क्या दुनिया ख़त्म हो जाएगी? तो इमरान खान जो ये फैला रहे हैं ना कि जी मैं इंडिस्पेंसिबल हूँ, कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं होता, कब्रें जो है ना वो भरी हुई हैं इंडिस्पेंसिबल लोगों से जो अपने आप को समझते थे। इमरान खान को अगर निकाल दिया जाए ना सियासत से, तो सियासत ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये आदमी रोज़ मसले पैदा कर रहा है, और पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, अगर एक आदमी बार बार पैदा कर रहा है पिछले मतलब 2022 से, तो मुझे बताएं डॉलर भी ऊपर जा रहा है, लोग मुझे कहते हैं, मैं कहता हूँ डॉलर इतने का हो गया इमरान खान शर्म करें, लोग कहते हैं उनको क्यों कह रहे हो हुकूमत उसकी, मैं कहता हूँ यार हुकूमत जिसकी भी है चला सकता है, कोई हुकूमत कोई माई का लाल हुकूमत चला सकता है, अगर उसके पीछे हर वक्त प्रोपेगेंडा हो रहा हो और कुछ भी ना करने दिया जा रहा हो और इन्वेस्टर भाग रहे हो और लोगों को पता ना चल रहा हो हम करें क्या, लोग बाहर भागना चाहते हो, लोग कहते हैं हमने इस मुल्क में नहीं रहना, लोग अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हो, फिर लोग अपना पैसा जो है वो घरों में डॉलर बना के तो रख रहे हो कि पता नहीं बैंकिंग सिस्टम का कोलैप्स कर जाए, तो ये तो इमरान खान ये कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, इसमें कौन सा मुझे बताएं फ़ायदा है? तो मुझे लगता है इनको अगर निकाल दिया जाए सियासत से, लेकिन पोलिटिकली मैं नहीं कहता, हाँ अगर इन पर कोई सबूत मिलते हैं अदालतों में जुर्म साबित होता है तो उनको सजा दी जाए, गैर कानूनी तौर पर सजा भी ना दी जाए, तो मुझे लगता है उससे मसला हल होगा, अदरवाइज नहीं होना ही मसला हल। आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से ऑफर हुई भी है क्या, आप उनकी पार्टी का ज्वाइन? बहुत दफ़ा इमरान खान ने खुद की है, इमरान खान ने मुझे 2013 में 3 दफ़ा ऑफर किया था, 2 दफ़ा लोगों के थ्रू, 1 दफ़ा खुद, 1 दफ़ा तो लियाकत बलोच गवाह हैं इसके, लियाकत बलोच मेरे साथ बैठे थे, इमरान खान ने मुझे 3 दफ़ा कहा था, एक्चुअली 4 दफ़ा कहा उन्होंने, 4 दफ़ा उन्होंने खुद मुझे जब कहा था तो लाहौर के जलसे में आने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त तक हम एक्टिव ही नहीं थे, मेरी पार्टी बनी है 2018 में। ठीक है, मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं जी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम था 2010 से इन्होंने अपने इर्द गिर्द 2 लोग इकट्ठे किए थे, और जिस तरीके से 2014 में जो धरने किए और सा, मुझे पता था ये किस तरफ जा रहे हैं, उनके साथ कौन है, तो बनाया जा रहा है इनको,
तो हम तो कर ही नहीं सकते थे ये काम। जब से आपने बहुत ब्लंटली और बोल्डली सोशल मीडिया पर उनके अगेंस्ट बोलना शुरू किया है या अपना नजरिया रखा है, इख्तलाफात रखे हैं, उसके बाद से कभी ऑफर हुई पार्टी की तरफ से बैठ के बात करते हैं या क्या मसला है ऐसा? क्योंकि आप ज्यादा इमरान खान साहब के बारे में ही बात करते हैं। मुझे जो बताया जाता है वो ये कि इमरान खान बिल्कुल एक जमाने में इमरान खान इसके गवाह हैं लोग, वो मुझे बड़ा कहते थे कि मतलब पसंद करते थे। जब मेरी मुलाकातें होती थी तो मुलाकातों में भी अच्छी मुलाकात होती थी। प्रॉब्लम ये है कि जब इंसान एक बड़े मकसद के लिए अपने जैसे लोगों के हकूक के लिए खड़ा हो जाए ना, जो कि आर्टिकल 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो दस्तूर में, तो फिर उसको कुछ नहीं देखना चाहिए कि मुझे कौन पसंद करता है कौन नहीं करता। तो अब तो इमरान खान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता जो मुझे बताया जाता है। आपके अपने पसंदीदा सियासतदान कौन से हैं? कार्ल मार्क्स पसंद हैं, वो एक्टिव सियासतदान भी रहे हैं और उन्होंने एक फलसफा भी दिया। फिर मुझे फ्रेडरिक एंगल्स पसंद हैं, फिर मुझे व्लादिमीर इलिच लेनिन पसंद हैं जो कि रशियन रेवोल्यूशन के जो परपेट्रेटर थे। यानी पाकिस्तान से कोई आपको पसंद नहीं? आपको नहीं लगता कोई अच्छा सियासतदान पाकिस्तान में है अभी? बड़े अफसोस की बात है, वाकई नहीं उस तरह पसंद। आने वाले इंतखाबात में मुल्क पर हम किसके हवाले करें? अगर कोई भी सियासतदान हमारे पास इस तरह का नहीं है जो हमारे मुल्क को चला सके, गुरबत से निकाल सके, 3 वक्त की रोटी मिल सके हमें, तो हम किसके हवाले करें अपने मुल्क? देखो बड़ा सोचना चाहिए, हमारे हवाले करें अगर तो करें। अगर तो देखो अगर तो मेरे नहीं, मेरी पार्टी के, क्योंकि मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा ना। देखो बात यह है, अगर लोग समझते हैं कि इन पार्टियों के थ्रू उनको कुछ मिल जाएगा तो कर लें, इनको दोबारा वोट दे दें। अगर इनको इतनी अकल नहीं है अभी तक, इतना शऊर नहीं है, और जो टक्कर के लोग ये बने हुए हैं, भाई आप अपने हुकूक के लिए तो बात ही कोई नहीं करते, उसके लिए तो आप खड़े नहीं होते। अपने दफ्तरों में तो आपको जो जो आपके साथ किया जाता है, आपकी पार्टी को नहीं है आप पीछे खड़ी हो सके। ट्रेड यूनियंस तक जो है वो आप नहीं बना सकते, स्कूलों कॉलेजों में आप स्टूडेंट यूनियन नहीं बना सकते। ये कोई पार्टी ऐसी होगी जो आम लोगों के साथ खड़ी है जो ये सब कुछ कर सकेगी ना? तो आपकी पार्टी कोई नहीं है। तो इसलिए मेरा अपना ही ख्याल है कि इन लोगों को हमें वोट देना चाहिए, इस दफ़ा दें ना दें, इनको अकल तो आ जानी चाहिए, नहीं आएगी तो ना करें, लेकिन आखिरकार इनको निजात इसी तरह मिलेगी अगर ये खुद मुनज़्ज़म होंगे किसी पार्टी के बैनर के नीचे, जो पार्टी आम लोगों की होगी। और आम लोगों की का मतलब ये है कि उन्हीं के लीडर्स होंगे उनके अंदर अक्सरियत में। तो आने वाले दिनों में आप अपनी कामयाबी और इमरान खान साहब की नाकामी कहां तक देख रहे हैं फिर? मैं इमरान खान के खिलाफ सिर्फ नहीं हूं, मैं तो इस पूरे ज्यादा बोलते तो उनके खिलाफ, इसलिए क्योंकि इमरान खान मसला है ना वजी। आप मुझे एक बात बताएं, सोच के सच्ची बताएं, और आपने सच बोलना है। मुझे बताएं आप टीवी लगाते हैं आपके सामने क्या होता है? इमरान खान, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, वो ये कह रहा है, उसका भी कड़ी इमरान खान से मिल रही। इमरान खान इस मुल्क में मसला है इस वक्त, ठीक है? अगर इमरान खान हट जाए तो बराबरी पार्टी ग्रो करेगी। बराबरी पार्टी की ग्रोथ में सबसे बड़ा जो बड़ी रुकावट है वो इमरान खान है। अच्छा। क्योंकि देखें, हमने लड़ना है जिन लोगों से, इमरान खान झूठ बोल रहे हैं कि मैं लड़ना चाहता हूं आपके लिए, और ये आपने नहीं लड़ना भाई। आपने 4 साल जो है तोशाखाने से करोड़ रुपया बनाया है, और वही आपने किया है, और उस वक्त आपने लोगों के साथ जो कुछ किया अभी भी हो रहा है। ये तो वही लोग हैं ना जो पहले वाले थे, आप कहते थे हम इनके खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन आपने भी वही कुछ किया है। तो इसलिए हम तो समझते हैं कि सारे एक जैसे हैं इमरान खान, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा? मैं बता के जाता हूँ, अगर आप मुझसे पूछें कि ये बड़ी ज्यादती है, हमें बड़ा फ़ायदा होगा बराबरी पार्टी को, अगर दो काम हो, या तो इमरान खान और आसिफ जरदारी दोनों नाहल हो जाएं और ये पार्टियाँ ख़त्म हो जाएं, या इन पार्टियों के अंदर आम लोग नहीं, ये जो बाकी के लोग हैं, हैं तो वो भी अरबपति खरबपति, लेकिन वो इनकी लीडरशिप में आ जाएं, तो हमें बड़ा फ़ायदा होगा, पार्टी ग्रो करेगी। अब बराबरी पार्टी, ये तीनों हट जाएँ मंजर से, तीनों नाहल हो जाएँ, और या फिर इन तीनों को अहल किया जाए, उससे भी हमारी पार्टी ग्रो करेगी। देखिए ना, नवाज शरीफ भी अहल हो जाए, इमरान खान को भी आप नया अहल ना करें और आसिफ जरदारी को भी ना करें, तो उसे होगा क्या? उसे होगा ये कि ये जब तीनों आपस में लड़ेंगे ना, तो लोगों को पता होगा अब ये फिर वही लड़ाई शुरू हो गई है। अब कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि जी मैं आम लोगों के लड़ रहा हूँ, कोई कहेगा, सबको पता होगा ये आपस में एक दूसरे के लड़ रहे हैं, और सब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, सब सदर बनना चाहते हैं, हमारी बॉडी ग्रो करेगी। तो इन दोनों तरीकों के अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आप इमरान खान को अकेले हीरो बना के रखेंगे, नवाज शरीफ को वहाँ रखेंगे, हमें नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, कुछ शरपसंद वहाँ पे उन्होंने हमला किया, खान साहब ने बाद में कहा कि वो पीटीआई वर्कर्स नहीं थे, कोई बाहर के लोग थे, प्रॉपर प्लान थी, प्रोपेगेंडा किया गया, आपको क्या लगता है कितनी सदाकत है इस बात में? जो आदमी व्हील चेयर में बैठा हो और 3 दिन बाद व्हील चेयर से उठ के अपनी बेगम के साथ
अदालत में जा रहा हो, उससे ज़्यादा झूठा आदमी कौन हो सकता है। लेकिन ये झूठे आदमी हैं, इन्होंने इनको कोई गोली नहीं लगी, आज तक किसी गोली का टुकड़ा नहीं दिखाया गया। फैसल सुल्तान ने कहा कि जब पहला इंटरव्यू आया ना फैसल सुल्तान का, डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि CEO हैं शौकत खानम के, मेरे बड़े अच्छे वाकफ़ हैं, वो बड़े सच्चे आदमी हैं, कमिटेड आदमी है अपने काम से, शौकत खानम को वही चला रहे हैं बेसिकली। हाँ, मेरा शौकत खानम में बड़ा पैसा लगा हुआ है, मैंने भी बड़ा चंदा दिया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि हालांकि वो इमरान के दोस्त हैं ऑफकोर्स, उन्होंने कहा कि देखें फ्रेगमेंट्स लगी हैं उनको। अब फ्रेगमेंट्स इस इवन यहाँ तक नहीं कहा कि गोली की फ्रेगमेंट्स लगी, आप सुन लेना उनका इंटरव्यू, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकते, मैं इनको जानता हूँ, बड़े इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं। अब वो सच भी नहीं पूरा बोल सकते थे क्योंकि इमरान खान को क्या कहते हैं, एक्सपोज कर देते, उसके बाद वो कभी आए भी नहीं। अब मसला ये है कि इमरान खान तो इतने बड़े झूठे आदमी हैं, कहते हैं जी मुझे गोलियाँ लगी हैं, वहाँ से चले हैं। भाई आप अगर किसी को गोली लगी हो ना, उसको भी पता नहीं होता मैंने मरना है या जीना, वो सबसे पहले करीबी 3 अस्पताल ढूंढता है। बिल्कुल ठीक है। ये वहाँ से निकले हैं, 2.5 घंटे गाड़ी में बैठे हैं, भाई रास्ते में आपको कोई रुकावट ही मिल जाए, शौकत खानम आए हैं वहाँ से, ये छूटे आदमी हैं, इनको कोई गोली नहीं लगी। आप मुझे कह रही हैं ना कि इमरान खान जो हैं वो मतलब ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं, सारा कुछ PTI के लोगों ने किया, वो कारकुन थे बेचारे, उनको इमरान खान ने मुश्तेल किया था, इनकी स्पीचेस निकालने असद उमर ने किया, जिस आदमी ने भी आप देख लें कि वो क्या क्या कह रहे हैं उनको, औरतें बहुत ही शामिल हैं उसमें, मलिका बुखारी भी हैं शायद, और भी, और फिर कुछ लड़कियां हैं बेचारी, नहीं नहीं वो टिकटॉकर टाइप हैं, उनको शौक है कि हम टिकटॉकर बन जाएं, इमरान खान के साथ खड़े होंगे, इमरान खान का नाम है, हमारा नाम भी हो जाएगा, वो भी किया थोड़ा बहुत, तो वो सारे इसमें मौजूद हैं। उसके अलावा फिर जो कारकुन निकले हैं, इमरान खान ने, मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ, इमरान खान ने उनको अकेला छोड़ देना, मैंने इमरान रियाज को भी एक दफ़ा कहा था, मैंने कहा था इमरान रियाज आप ना कर लें थोड़ा सा ख्याल, इस आदमी ने आपको छोड़ देना है, ये आदमी आपके साथ नहीं चलेगा। अभी भी आप देख लें इतने सारे लोग अंदर हुए थे, आज इमरान खान ने पहली दफ़ा बोला है, क्योंकि लोगों ने अब तंज करना शुरू कर दिया कि देखें जी सारे लोग अंदर हो गए हैं, लेकिन ये सिर्फ अपनी बेगम के बारे में बोल रहे हैं कि मेरी बेगम को ना कुछ हो जाए, किसी और के बारे में नहीं बोल रहे। तो आज पहली दफ़ा इतना लंबा ट्वीट किया है कि जी वो ये जब सारे लोग हैं इनके साथ ये हो रहा है, ये गलत ज्यादती हो रही है वगैरह वगैरह, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। कोई एक अच्छी चीज़ भी आपको लगती है, कोई एक क्वालिटी भी आपको खान साहब में नज़र आती है कि नहीं? वो हेल्थ वाइज फिट आदमी है, ट्रेनिंग अच्छी करते हैं, लोगों को सीखना चाहिए उनसे, अपनी हेल्थ अच्छी रखी हुई है उन्होंने। दूसरा ये कि वो अच्छी चीज़ नहीं है जो मैं कहने लगा हूँ, वो ना बहुत ही एक रेजोल्यूट किस्म के आदमी है कि मैंने ज़रूर करना है। लेकिन देखिए रेजोल्यूट होने का भी ना, डिटर्मिंड होने का भी ना एक लेवल होता है, जहाँ पे आपको जाके पता लगता है कि मेरी इतनी डिटर्मिनेशन से कहीं कौम को या आम लोगों को नुकसान तो नहीं हो रहा, तो ये ज़िद होती है फिर। तो पहले तो उनकी वो थी, रिजॉल्व था, अब उनकी ज़िद है, ये ज़्यादती है, पहले वही चीज़ उनकी क्वालिटी थी, अभी उनकी खामी बन गई है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में आपका पसंदीदा सियासतदान तो कोई नहीं है तो बस चल गया, लेकिन पाकिस्तान में कोई आपका फेवरेट सिंगर? मेरे तो मेहदी हसन साहब ऑल टाइम, और औरतों में नूरजहां साहिबा, और फिर अगर आप क्लासिकल में जाएं तो उस्ताद सलामत अली ख़ान, रोशन आरा बेगम, उस्ताद अमानत अली ख़ान, फिर तुफैल नियाज़ी, वो खैर क्लासिकल में नहीं आते लेकिन वो फोक में आते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े लोग थे। उसके बाद फिर मैं हमारे जो हम असर गुलकार हैं सारे, मुझे लगता है कि उनमें राहत फ़तेह अली ख़ान और शौकत अमानत अली ख़ान और सज्जाद अली और जावेद बशीर, वाह जावेद बशीर को मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रेंड आदमी है, उनसे ज़्यादा ट्रेंड कोई नहीं है, कमाल सिंगर हैं वो, उनको वो शोहरत अभी तक नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। वो राहत और शफकत और लोगों को मिल गई जो ट्रेंड लोग थे, लेकिन जावेद भी बहुत आला है। अच्छा फिर नए लोगों में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो, और बड़ा अच्छा गाते हैं उनमें, एक ने तो बड़ा नाम बना लिया है अली सेठी ने, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, और सेल्फ ट्रेंड है वो, उसकी फैमिली में नहीं था कोई। फिर एक नबील शौकत बहुत आला सिंगर है, और फिर अमानत अली बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं, ट्रेंड आदमी है, और बहुत से लोग हैं। अभी आजकल सारी लिबग्गा मेरा छोटे भाइयों की तरह सारी उम्र मेरे साथ काम किया उसने, तो आजकल उसने भी बड़े अच्छे गाने बनाए हैं और वो बड़ा अच्छा जा रहा है, और वो मैं उसको सिंगर से भी बड़ा म्यूजिशियन मानता हूँ, बहुत बड़ा म्यूजिशियन है वो, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, लेकिन मेरा ख्याल है वो नहायत अच्छा एक मकबूल गाने गाने वाला सिंगर भी है। तो बहुत से लोग हैं।
एक गाना है बिन तेरे क्या है जीना, आजकल मैं बहुत ज्यादा सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा गाना है, अगर आप वो गुनगुना दें तो। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना। वेरी नाइस, ये किसके लिए लिखा था आपने? मैंने किसी के लिए नहीं लिखा था, ये इमेजिनरी आप एक चीज़ करते हैं पोएट्री। ये जो पॉप म्यूज़िक है ना, इसमें ज़्यादातर लोग अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर नहीं बनाते गाना, हम उस इमेजिन करके बनाते हैं। तो मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो हर एक के अंदर होता है, वो माँ बाप से शुरू होती है और वो जो हम कहते हैं ना जिन से मुखालिफ तक जाती है, तो सब के अंदर होती है, मेरे अंदर भी है, तो इमेजिनरी लिखा है। आजकल एक गाना है दोस्ती, जो कि हम अक्सर देखते हैं पाक आर्मी की वीडियोस पे या इस तरह बहुत ज़्यादा लगा होता है, अगर वो भी दो लाइन्स आप गुनगुना के सुना दें। मैं भी बिल्कुल सुना देता हूँ और मैं तमाम कौम को डेडिकेट कर रहा हूँ और उनको मुत्तहिद रहने का मशवरा दे रहा हूँ। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथ ही मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुवत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया जवाद साहब आपके वक्त का। मेरे साथ जवाद अहमद साहब मौजूद थे, गाने भी आपने सुने हैं और उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलूंगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।